ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कल कौन से डिस्कस कर रहे थे हम? 27 ओके लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 27 हमने स्टार्ट किया था तो विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 27 हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 4 नहीं किया था कितने लोग हैं जिनको फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है ओके देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये दूसरे बैच में नहीं हुआ था एक बैच में हुआ था कि आपके पास एक बेल्ट है राइट तो आपके पास एक बेल्ट है जिसकी वेलोसिटी वी है आपने एक ब्लॉक को इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया जेंटली का मतलब उसको रखा बड़े आराम से दैट इज यू इज इक्वल टू जीरो क्या पॉइंट क्लियर है तो यू इज इक्वल टू जीरो और अल्टीमेटली क्योंकि यहां फ्रिक्शन है तो ये जीरो पे तो रहेगा नहीं तो इसने 4 सेकेंड लिया 4 सेकेंड कि इसकी वेलोसिटी ब्लॉक की बेल्ट के इक्वल हो जाए तो बेल्ट के इक्वल होने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली क्या हो जाए v और ये आराम से चलता रहे बिल्कुल वैसी फीलिंग है जैसे आप किसी मॉल में जाते हो और एक एस्केलेटर है और एकदम पैर रखते हो तो एकदम आपको कुछ जो है जर्क सा लगता है एडजस्टमेंट होती है उसके बाद आप नॉर्मली चल पड़ते हो उसके साथ तो ये वो सिचुएशन है कि जब आपने इसको रखा तो रखा यू इक्वल टू जीरो पे था तो कुछ देर के लिए ये एक्सेलरेट करेगा वेलोसिटी बढ़ाएगा और कितनी बढ़ाएगा जितनी किसके इक्वल ना हो जाए बेल्ट के इक्वल और जब इसकी वेलोसिटी बेल्ट के इक्वल हो जाएगी फिर दोनों आराम से चल पड़ेंगे और ऐसा होने में क्वेश्चन में गिवन है कितना टाइम लगा 4 सेकंड राइट तो इस केस में कौन इसको एक्सेलरेट करवा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि फ्रिक्शन की एक ऐसी फोर्स है जिसको हेल्प कर रही है कि साथ चल पड़े तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू एम ए क्योंकि वो एक्सेलरेट करवा रहा है तो एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल टू एम ए तो यहां से एम से एम कैंसल तो कितनी एक्सेलरेशन मिली इस ब्लॉक को कि वो आगे मूव कर सके म्यू टाइम्स जी म्यू की वैल्यू 0.2 है जी 10 है तो इतनी एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा कब तक 4 सेकेंड के लिए क्योंकि 4 सेकेंड के बाद वो वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लेगा जितनी बेल्ट की तो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at तो अल्टीमेटली ब्लॉक की 4 सेकेंड के बाद हमने वेलोसिटी निकाल ली जो कि कितनी आई 8 तो बेल्ट की वेलोसिटी भी एग्जैक्टली कितनी होगी 8 तो दो बोथ विल एक्वायर दी सेम वेलोसिटी क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक राइट तो वेलोसिटी की वैल्यू इसमें 8 मीटर पर सेकेंड ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जिन्होंने 5 किया कोई डाउट उसमें डाउट है तो पूछो फिफ्थ में डाउट है ब्लॉक जिसका मास कितना है 1 kg इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल ठीक है रेस्ट पे पड़ा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 60 degrees फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल That will just start the block moving. Just start का मतलब acceleration is equal to zero. यानी कि जो block move करेगा, that will move with a constant velocity. यही इसका मतलब. Just start moving का मतलब क्या होता है acceleration zero. तो आपको इसमें force निकालनी है. तो इसमें क्या कहा कि एक block है. Block को force apply किया at an angle of 60 degrees with horizontal. तो 60 degrees पे force लगाई हमने. Block का weight mg. नॉर्मल रिएक्शन आर एफ के दो कॉम्पोनेंट एफ कॉस एफ साइन और जब ये ब्लॉक राइट मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां टुवर्ड्स लेफ्ट कोई डाउट इसमें डायग्राम क्लियर है ठीक है ऐसा क्वेश्चन में कई बार किया है जब हम टेडी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स लेते हैं और फोर्स के जो कॉम्पोनेंट्स लिए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि नीचे का वेट mg है ऊपर की दो फोर्सेस हैं पहली क्या नॉर्मल रिएक्शन दूसरी क्या f sin 60 तो इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू mg तो r plus f sin 60 इज इक्वल टू mg
और यहां से क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया आपने। अब मुझे पता है कि आगे की फोर्स कितनी है, एफ कॉस 60, और पीछे की कितनी है, एफ, एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स। तो आगे की फोर्स कितनी है, एफ कॉस 60, और पीछे की कितनी है, फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास है, इसको उठा के यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये रहा एफ कॉस 60 इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की जगह ये रहा। इसको सिंप्लीफाई किया, मीन सारी वैल्यूज पुट की, इसमें म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ कैन बी कैलकुलेटेड, एफ की वैल्यू आ गई। मेथड समझ में आ रहा है कि नो एक्सेलरेशन मींस आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स। तो अगर आगे और पीछे की फोर्स बराबर है तो नो एक्सेलरेशन, तो वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी ठीक ठीक। नेक्स्ट है, कितने को इसमें, हाँ ये तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आया हुआ क्वेश्चन है। एक बॉल है, 100 ग्राम ऑफ आयरन बॉल है, हैविंग वेलोसिटी 10, ठीक है, 10 की वेलोसिटी से बॉल आती है, कोलाइड विद अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के साथ दीवार के साथ इसको हिट करती है, एंड रीबाउंड्स विद द सेम एंगल, उसी एंगल से वापस भी चली जाती है। इफ पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड वॉल इज 0.1 सेकेंड, कितनी देर के लिए वो कॉन्टैक्ट में रही, 0.1 सेकेंड, ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स है, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम कहीं ना कहीं इम्पल्स की फीलिंग देता है, कि जब भी एक फोर्स लग रही होती है, वेलोसिटी लग रही होती है, कितने टाइम के लिए लग रही होती है, वो इम्पल्स की एप्लीकेशन की कैटेगरी है। एवरेज फोर्स इस केस में क्या है, ये आपको बताना है। सबसे पहले इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं बना के दिखा रहा हूं, प्लीज इसको एक बार ध्यान से देखना। इस डायग्राम के अंदर ये मान लो वॉल है, यहां से देखना आपने प्लीज, जो मैं बना रहा हूं ये वॉल है, ठीक। सपोज ये बॉल है, बॉल कितनी वेलोसिटी से आई, 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, और दीवार के साथ, वॉल के साथ एंगल कितना बना, 30, राइट। फिर रीबाउंड हुई, रीबाउंड का मतलब उसी एंगल पर वापस चली गई, तो यानी कि ये वाला एंगल भी वापस कितना है, 30। यहां तक डायग्राम क्लियर है? आगे अब इसको अगर मैं इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, ठीक, एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है वेलोसिटी, बॉल का मास कितना है, एम, तो एम इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो मास की वैल्यू चेक करना, इसमें गिवन होगी 0.1 kg, तो जो भी इसका चलो मास है मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब प्रॉब्लम वही है, जब टेंशन एक्स वाई प्लेन में होती है, जब फोर्स एक्स वाई प्लेन में होती है, जब मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में होता है, तो सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स लेके उसको एक्स में अलग और वाई में अलग करना होता है। हम एक्स वाई प्लेन में तो काम ही नहीं करते, हम एक्स में अलग करते हैं और वाई में अलग करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पोनेंट इसका ड्रॉ करूं इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी में कोई ये ना सोचे कि वेक्टर रुक गया, डायरेक्शन थोड़ी ना रुक गई यहां पर, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू, यू का मतलब यहां पर कितना है, 10, यू वेक्टर आगे एक्सटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। जैसे याद है प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड पे जब प्रोजेक्टाइल गिरता था ग्राउंड के अंदर ले जाते थे वेलोसिटी वेक्टर, तो ऐसे इसमें भी आगे ले जाओ, दीवार के अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये यू, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30। तो इस यू के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, यू इंटू साइन ऑफ 30, एंड उसी तरीके से यहां पर यू इंटू कॉस ऑफ 30, राइट। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स बना लिए, एक एक्स में और एक वाई में। उसी तरीके से अगर वाई कॉम्पोनेंट, अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी में भी उसने ये तो कहा नहीं कि वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी अभी भी 10 ही है, आई बॉल आई भी 10 के साथ और गई भी 10 के साथ, राइट।
तो इस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इसी के साथ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी u इनटू कॉस ऑफ 30, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा कितना u इनटू साइन ऑफ 30, राइट? कोई डाउट इसमें? ठीक, ये स्टेप डायग्राम क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सेम डायग्राम है जो मैंने वहां बनाया, यू इट सेम डायग्राम, पर उसमें समझना मुश्किल है, इसमें समझना इजी हो रहा है, बना के दिखाया इसमें मैंने। कोई डाउट इसमें? अब क्योंकि मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लिए, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लिए मैंने, तो मैं इसे दो मिनट के लिए मिटा रहा हूं, ये मेरी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ देता हूं इसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने वेलोसिटी के एक्स और वाई में कंपोनेंट्स कंसिडर किए हुए हैं। ये लो, ये मैंने इसे हटा दिया, ये लो, तो ये मैंने इसे हटा दिया, तो मेरे पास सिर्फ ये चार वेक्टर बचेंगे, दो एक्स में और दो वाई में, राइट? तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे? मोमेंटम्स आ जाएंगे सारे, मास तो सेम ही है, तो ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम है और ये वाई एक्सिस का मोमेंटम है, तो जब बॉल आ रही थी तो ये एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम है और ये एक्स एक्सिस का फाइनल मोमेंटम है जब बॉल जा रही थी, और ये एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंट, वाई एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम है, ये वाई एक्सिस का फाइनल मोमेंटम है, राइट? कोई डाउट इसमें? मुझे पता है जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही आपकी फोर्स होती है, न्यूटन का लॉ ने यही बताया था। प्रॉब्लम ये है कि यहां मोमेंटम एक्स में भी है, यहां मोमेंटम वाई में भी है, तो इसलिए फोर्सेस भी कितनी निकलेंगी, दो निकलेंगी, एक एक्स में निकलेगी और एक वाई में निकलेगी। एक्स में कितनी फोर्स निकलेगी, एक्स में अगर फोर्स निकालनी है तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डिवाइडेड बाय टाइम ऐसे, राइट? एक्स का मोमेंटम चेंज देखें, फाइनल कितना है, इतना है, इनिशियल कितना है, इतना है, राइट? तो कोई बताएगा चेंज इन मोमेंटम इस केस में क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं जीरो? अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना एक क्वेश्चन करवाया था जिसने एक चीज बताई थी कि अगर हाँ बॉल का मास एम है और वेलोसिटी वी है, उसकी टक्कर हो जाती है और कोलिजन के बाद वही मास सेम वेलोसिटी से रीबाउंड करता है, तो मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो एक मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो दूसरा मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो आपको याद है, तो मैंने बताया था कभी जीरो नहीं बोलना, क्या बोलना है, 2mv बोलना है, राइट? सेम इसका केस हो गया, सेम ये देखो इस केस में एक्स में इन फाइनल मोमेंटम का है ये रहा, तो एक काम कर लेते हैं इस तरफ की डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो इस तरफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो फाइनल मोमेंटम में बोलो क्या आएगा, यहां पर फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम यू साइन 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम में माइनस एम यू साइन 30। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के लिए, क्योंकि वेक्टर उल्टा है तो हमें क्या लेना पड़ा, माइनस, राइट? ये सेम ही केस हो गया जो अभी किया था, और कितनी देर में ऐसा हुआ, टाइम चेक करना कितना गिवन है, 0.1 गिवन है, तो चेंज इन मोमेंटम यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, 2mu sin of 30 डिवाइडेड बाय 0.1, मास आपको गिवन है जैसे इसमें 0.1 है, u गिवन है और टाइम गिवन है, सॉल्व करके आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें, 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में फोर्स आई, एक्स में, अभी मोमेंटम किसके अलोंग गया है, एक्स में। अब सेम चीज किस में करनी पड़ेगी, वाई में। अब जब वाई में सेम चीज करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो चेंज इन मोमेंटम वाई में क्या निकल के आएगा, चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का चक्कर ही नहीं है, तो एम यू कॉस ऑफ 30 फाइनल मोमेंटम और एम यू कॉस ऑफ 30 इन सेम डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम, तो अल्टीमेटली जीरो आ जाएगी। तो y एक्सिस में आप बोलेंगे देर इज नो फोर्स, x एक्सिस में फोर्स इज 0.1, तो नेट फोर्स इज 0.1। क्लियर है यहां तक? ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे डाउट है?
मेथड समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फोर्स निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो और मोमेंटम टेढ़ा हो, यू हैव टू टेक कॉम्पोनेंट्स, एक्स में अलग और वाई में अलग, और फिर चेंज इन मोमेंटम आपको कैसे करना है, इसको तो आप कहीं अगर नोट्स में नोट करना है आप नोट कर लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके बहुत काम आएगा। हाँ जी ठीक है, आदर ध्यान से पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th में डाउट है, कितनों को डाउट है इसमें 7th में है, हो गया चेन वाला क्वेश्चन किया था आपने, सेम है क्वेश्चन नंबर 8th में आपको ये गिवन है, एक ब्लॉक है और ब्लॉक का जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए विद मास 100 केजी इज रेस्टिंग ऑन बी जिसका मास 200 केजी, द हॉरिजॉन्टल रोप टाइड टू द वॉल होल्ड्स इट, तो जो रॉड है ए को जिसने बांध के रखा हुआ है वो फिक्स्ड है, मतलब ए अपनी पोजीशन से हिलने वाला नहीं है, रॉड है वो धागा नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, बस वो फिक्स्ड है, उसका काम सिर्फ इतना सा है कि वो किसी तरीके से बी को रोक ले, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन एंड बी एंड ग्राउंड इज आल्सो गिवन, तो यहां भी म्यू गिवन है, यहां भी म्यू गिवन है, द मिनिमम फोर्स ताकि बी चलना शुरू कर दे, ये क्वेश्चन है राइट, तो एक्सेलरेशन तो जनरेट करवानी नहीं, तो हमने क्या करना है, बी का फ्री बॉडी जब डायग्राम बनेगा तो बी को फोर्स कहां लग रही है, इस तरफ, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसका मास अगर 100 केजी है तो कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन 100 जी,
और इसका मास 200 है, तो 100 प्लस 200 यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 300 जी। तो यहाँ इसको अगर खींच रहे आगे तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे लगेगी, कितनी, म्यू इंटू 100 जी, म्यू इंटू आर, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.3 है, तो नीचे कितनी लगेगी, 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 300 जी। तो कम से कम फोर्स का मतलब देर इज नो एक्सलरेशन, तो कम से कम फोर्स क्या लगेगी, दिस प्लस एड कर दो आंसर, राइट। क्या पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, कितनों को डाउट है इसमें, ओके काफी लोग हो गया, ओके। क्वेश्चन इज अ ब्लॉक मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एक ब्लॉक मूव कर रहा है जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, जब वो नीचे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी, और वो रेस्ट से चलता है, स्लाइड करता हुआ नीचे पहुंच जाता है। इफ इट स्लाइड्स डाउन रफ प्लेन तो ऑब्वियसली टाइम टेकन ज्यादा लगेगा, तो जब वो कह रहा है कि अगर वो रफ प्लेन पे आता है, वेलोसिटी नीचे पहुंचते हुए वी नहीं होती, वी बाय एन हो जाती है, अगर वो स्मूथ पे आता है तो वी वेलोसिटी से लैंड करता है, रफ पे आता है तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है तो वी बाय एन से आता है। आपको बताना है कि n ग्रेटर देन अगर 1 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले दो केस बनेंगे, पहला केस क्या बनेगा, स्मूथ, स्मूथ में मान लो ये डिस्टेंस कितना है s, स्मूथ में ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सिंपली क्या होती है, g sin थीटा, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो है नहीं, तो v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट थी, 2as और a की जगह g sin थीटा, तो वेलोसिटी निकल गई। लेकिन जब रफ पे आता है तो नीचे की फोर्स कितनी है, mg sin थीटा, और ऊपर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, mg cos थीटा, तो नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या होगी, mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, निकालनी पड़ेगी। तो नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसे जब सॉल्व करेंगे m कैंसिल तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगी। इट मींस अगर सरफेस स्मूथ है एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा, अगर रफ है तो एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। डिफरेंस क्लियर, एक्सेलेरेशन में क्या डिफरेंस आएगा, और अगर एक्सेलेरेशन में डिफरेंस आएगा तो वेलोसिटी में भी डिफरेंस आएगा।
रफ के केस में नीचे की वेलोसिटी v की बजाय कितनी है, v बाय n, इनिशियली क्या थी, जीरो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, सेम सिचुएशन है लेकिन एक्सेलरेशन इसमें ये पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन से हमने क्या निकाला था, v, इक्वेशन नंबर वन में जो v निकाला था अंडर रूट ऑफ 2g sin थीटा s, उसको उठा के यहां पे पुट कर दिया, होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये टर्म आई, जी 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 भी कैंसिल हो गया, और सिंप्लीफाई किया इसे तो ये टर्म आएगी, क्योंकि देखो 2 म्यू यहाँ पे 2 म्यू कॉस थीटा एक तरफ इस तरफ, और साइन वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, कॉस वाली टर्म एक तरफ, साइन वाली टर्म एक तरफ, हमने इसमें क्या निकालना है, म्यू, तो म्यू वाली टर्म बेसिकली एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो म्यू की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी जब कॉस थीटा से इसे डिवाइड करेंगे, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। ओके ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, कितने लोगों को इसमें डाउट है, देखो ये हमने क्लास में किया था क्या कि जहां लिफ्ट, देखो वैसे टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन अगर निकालना हो, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ एल है, तो इस केस में टाइम टेकन कितना होगा, एल इज इक्वल टू जीरो, एक ब्लॉक अगर नीचे आता है और फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा हाफ जी साइन थीटा इनटू टी का स्क्वायर, राइट। तो यहां से टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2L डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो तब है जब इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे है, वो कह रहा है कि इसमें इंक्लाइन प्लेन को हमने लिफ्ट में डाल दिया, इंक्लाइन प्लेन को हमने लिफ्ट में डाल दिया और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है विद ए, अगर ये एक्सेलरेट करती, अगर ये एक्सेलरेट करती नीचे, अगर हमने क्लास में किया था, इस फाइनल रिजल्ट को कुछ नहीं करना, ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, तो जी माइनस ए कर देना होता है अगर लिफ्ट नीचे आती है, पर उसने कहा एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसने कहा रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड कर रही है तो माइनस के आगे एक और माइनस लगेगा तो जी प्लस ए, तो आंसर में जी प्लस ए आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, हाथ खड़ा करो जितने लोगों को डाउट है, हो गया चेन वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूँ, संडे को करूँ, हाँ फंस जाओगे बता रहा हूँ, फिर पूछ लो। पार्शियली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल के ऊपर ये चेन हैंग कर रही है, L is the maximum possible length that can hang in equilibrium.
स्मॉल एल होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ ये करेक्शन करो, ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल। तो टोटल लेंथ एल है, कह रहे लटकता हुआ हिस्सा कितना है, छोटा एल है। ये देखो टोटल लेंथ अगर कैपिटल एल है तो हवा में मैक्सिमम पॉसिबल कितना लटक रहा है, स्मॉल एल। तो टेबल के ऊपर कितना पड़ा हुआ है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, राइट। तो इसमें इसके अंदर अगर मैं ये पूछूं कि इसे नीचे कौन खींच रहा है, इस पोर्शन का वेट, इसका वेट क्या होगा, इसका मास इनटू जी। और मास कैसे निकलता है, चेन वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, टोटल मास ऑफ चेन, टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ एल, तो मास आ गया इनटू जी, तो इसका वेट आ गया। इस पोर्शन का वेट क्या आएगा, एम बाय एल इनटू एल माइनस एल इनटू जी, और वही इसका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके इक्वल हो जाती है तो चेन नीचे नहीं गिरेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ अगर इसके इक्वल हो जाती है, चेन नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स आर, और नॉर्मल रिएक्शन टेबल के ऊपर क्या होगा, एम बाय एल इंटू एल माइनस एल इंटू जी, राइट। तो यहां से एम बाय एल जी से जी कैंसल, कुल मिला के सिर्फ ये बचाएगा छोटा एल, म्यू एल माइनस एल। तो यहां से सॉल्व करके म्यू निकालोगे तो म्यू आ गया। डाउट इसमें नेक्स्ट, कितने लोगों को ट्वेल्थ क्वेश्चन में डाउट है, आंसर इसका आना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉल्व नहीं किया यार, करता हूं पता नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन में 40 केजी की स्लैब है नीचे पड़ी हुई है, 10 केजी उसके ऊपर पड़ा हुआ है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.60 है इसमें, काइनेटिक 0.40 है। 10 kg block is acted upon a horizontal force of 100. The resulting acceleration of the slab will be equal to what? तो मतलब ये जो slab है, क्या है इसकी acceleration क्या होगी जब ये इसके साथ साथ move करेगा, right? पता नहीं साथ move करेगा कि नहीं करेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि क्या पता इतनी ज़्यादा force होगी ये तो ऊपर से निकल लिया और ये आराम से, मैं ये नहीं कह रहा move नहीं करेगा, move करेगा। दो तरीके, या तो इकट्ठे move करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, और या फिर एक आगे तेज मूव करेगा और एक पीछे छूट जाएगा और एक ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा थोड़ी देर बाद और ये मूव करता रहेगा, यानी कि दे विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस, या तो चिपके रहेंगे या सेपरेट हो जाएंगे। कौन डिसाइड करेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले इनके बीच में क्या निकलेगा, ये म्यू एस म्यू के गिवन है, यहाँ का नो फ्रिक्शन नीचे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर US into, यहां का नॉर्मल रिएक्शन कितना है 100 g, 10 × 9.8, सॉल्व किया कितना आया 58.8 न्यूटन। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 58.8 न्यूटन, पर मैंने कितनी लगाई 100, इसका मतलब इनकी सेपरेशन होगी, और अगर इनकी सेपरेशन होगी तो स्टैटिक का काम नहीं है, अब किसका काम है, काइनेटिक का काम है।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एम जी यहीं पर, तो म्यू के 0.40 इंटू 10 जी, तो काइनेटिक इतनी आ जाएगी। अब एक्सेलेरेशन 40 के जी ब्लॉक की क्या होगी, इसको कौन मूव करवाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका अगर 40 के जी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो 40 के जी को आगे कौन लेके जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 40 के जी आगे जा रहा है विद सम एक्सेलेरेशन ऑफ लेट अस सपोज जो भी है ए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 इंटू ए, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 40। तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आया कि दे विल बी सेपरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनकी सेपरेशन होगी। ओके ठीक है, यहां तक इसको काइनेटिक फ्रिक्शन मूव करवाएगा 40 केजी को, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 इनटू ए, तो ए इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 40। काइनेटिक की वैल्यू कितनी है ये बाय, अच्छा ठीक है यहां तक। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट करवाया हुआ है, हाँ करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है, पूछ। प्लेट ऑफ मास बड़ा एम इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो स्मूथ सरफेस है, इस पे प्लेट रखी हुई है, एंड अ बॉडी ऑफ मास छोटा एम इज प्लेस्ड ऑन दिस प्लेट, तो स्मॉल एम को इसके ऊपर रख दिया। कोफिशियंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, इज म्यू, इफ फोर्स ऑफ 2 μmg इज अप्लाई टू द बॉडी ऑफ छोटा एम अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ऑफ द प्लेट विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक प्लेट है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, प्लेट के ऊपर छोटा मास है, यहाँ पर म्यू गिवन है, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई 2 μmg, मेरे को बताना है प्लेट की एक्सेलेरेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं वैसे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले लोअर बॉडी का मास कितना है, एम, उसने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब कि वो ये मान के चल रहा है कि देयर विल बी ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो म्यू एस दे देता, तो इसको मूव करवाएगा कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनानी हो तो ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन बनेगी पीछे, लेकिन इसमें कहाँ बनेगी, आगे, तो इसको कौन आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन। कितनी, यहाँ की फ्रिक्शन, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, छोटा एम जी, तो फ्रिक्शन कितनी है, म्यू टाइम्स छोटा एम जी, राइट, समझ आ रहा है यहाँ तक। इसके ऊपर बड़े एम का डायग्राम है, ये बड़े एम को आगे कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, नीचे की सरफेस तो स्मूथ है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, जो फोर्स इसको आगे लेके जा रही है, डिवाइडेड बाई इसका मास।
तो फ्रिक्शन इसको आगे लेके जा रही है डिवाइडेड बाय मास, तो प्लेट की एक्सेलेरेशन जो है वो इसके इक्वल आ रही है। और अगर छोटे स्मॉलर का डायग्राम बनाना हो, पता नहीं रिक्वायर्ड शायद एक्सेलेरेशन ही पूछी है, जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया, वैसे तो आंसर आ गया बस। हाँ अगर बनाना हो तो इसको आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है, ये फोर्स, इसको कौन अपोज करेगा, यहाँ की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर इसकी एक्सेलेरेशन भी निकालनी हो वो अलग निकलेगी, दिस माइनस दिस इज एम इन टू ए, पूछा नहीं है उसने, उसे प्लेट पूछा है, नीचे वाला बड़ा एम प्लेट है, तो आंसर आ चुका है, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ओके ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28, क्या मैंने इसे सॉल्यूशन दिए हुए आपको? ठीक है, ओके चेक करो, फिर प्रिंट आउट सॉल्यूशन आपको मिले हुए हैं ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28 के, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना। ब्लॉक जिसका मास 2 kg एक फ्लोर के ऊपर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, अगर मैंने फोर्स कितनी लगाई इसके ऊपर 2.5, तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर विल बी इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है। लिमिटिंग देखो, मुझे क्या पता ये ब्लॉक मुझे हिलेगा कि नहीं हिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक होगी, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है? म्यू टाइम्स एमजी, 7.8 न्यूटन, पर मैंने फोर्स कितनी लगाई 2.5, तो मेरी फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी? 2.5 न्यूटन ओनली, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू है तो वही मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो क्या आंसर मार्क करेंगे? 2.5। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, टू पर्सन पुल ईच अदर थ्रू अ मासलेस रोप इन अ टग ऑफ वार गेम, हु विल विन? वो कह रहा है इस केस में जो ज्यादा, हु अप्लाइज मोर फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड। ऐसा क्यों? यार जिसकी फ्रिक्शन नहीं होगी फिसल जाएगा, तो ऑब्वियसली गिर जाएगा, तो जो ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा वो जीत जाएगा। ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, बोल सकते हैं तो है? क्वेश्चन नंबर 3, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड इज गिवन, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल टू द ग्राउंड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। देखो ग्राउंड दो फोर्सेस लगाती है, आपको याद है कॉन्टैक्ट फोर्स बताया था मैंने, पहली जब आप इसे खींच रहे होंगे एक लगेगी ग्राउंड की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एक क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। हमें क्या निकालना है? ग्राउंड की फोर्स, तो ग्राउंड की फोर्स में दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या लगेगी? वही जो स्टैटिक है, क्योंकि बॉडी चल रही है या बॉडी अपनी जगह से हल्की सी हिली, एक्सेलरेट तो नहीं कहूंगा,
तो इसमें लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी यूज्ड, दैट इज इक्वल टू कितनी, म्यू टाइम्स एम जी। वैसे तो कई लोग कहेंगे सर काइनेटिक यूज करना चाहिए अगर बॉडी हिली हल्की सी, बट चलो वो लिमिटिंग केस है, ना इधर का ना उधर का, तो क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी वैल्यू कम है जिसकी म्यू की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करूंगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है इसमें, 32, लेकिन मेरी अप्लाइड फोर्स कितनी है इसमें, 30। तो चेक करने के लिए काम आएगा, तो मेरी अप्लाइड फोर्स इसमें 30 है, तो मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें 32 काउंट नहीं होगी, मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें 30 काउंट होगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम है। तो ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 है स्टैटिक, नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल लेंगे म्यू टाइम्स मतलब एम जी, 4g, सॉल्व करेंगे आंसर। समझ में आया कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगी और ग्राउंड टोटल फोर्स क्या लगाती है। लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, वो वॉल कितनी फोर्स लगाती है सेम, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन। मेथड क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी जिसका वेट कितना है W इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल दीवार के साथ बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ F, मिनिमम वैल्यू ऑफ F दैट इज नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक। ये आपके पास एक ब्लॉक है, दीवार है, आपने कितनी फोर्स लगाई F, बदले में दीवार क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी F। ये कल भी किया था हमने क्वेश्चन, बॉडी का वेट कितना है W, बॉडी कहाँ गिरने की कोशिश करेगी नीचे, तो फ्रिक्शन वॉल कहाँ लगाएगी ऊपर, तो बॉडी दीवार के ऊपर भी क्या लगाएगी फ्रिक्शन, जो कि काउंट नहीं होती, दीवार ने कौन सा हिलना है, तो ये ना भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा राइट। तो ये यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट, संभाल लेगा इसे वेट को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि अगर उसने कहा कि मिनिमम वैल्यू निकालो तो मिनिमम के केस में कम से कम ये वेट के इक्वल तो होना ही चाहिए, बड़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है फ्रिक्शन, कम से कम इक्वल तो हो, तो मिनिमम केस में इक्वल कर दिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, पर इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है एफ, तो यहां से एफ क्या आ गया डब्ल्यू बाई म्यू, पर क्वेश्चन में गिवन है म्यू लेस देन 1 है, यानी कि फ्रैक्शन में 0.5 0.3 0.2 कुछ भी, तो ऑब्वियस है अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये बड़ा हो जाएगा ऊपर जाके, जैसे 0.5 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो फोर्स शुड बी ग्रेटर देन W। ऑब्वियसली अगर ये म्यू जो है वो लेस देन 1 है, जैसे 0.5 है, 0.5 क्या होता है हाफ, 2 ऊपर चला गया, तो ऑब्वियस है फोर्स बड़ी हो जाएगी वेट से, तो F शुड बी ग्रेटर देन W। समझ में आया कैसे मार्क करना है इसे, ये सॉल्यूशन में समझ में आ रहा है, शीट है सबके पास ना, ठीक। देखो फिर से सेम प्रॉब्लम, फिर एक ब्लॉक है, अ रफ वर्टिकल बोर्ड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये पूरी दीवार है एक्सेलरेशन ए है, सो दैट अ 2 kg ब्लॉक प्रेसिंग अगेंस्ट इट डज नॉट फॉल, तो मुझे पता है कि जब ये दीवार आगे जाएगी तो 2 kg पे क्या लगेगी सूडो फोर्स, और 2 kg नीचे नहीं गिर रहा, आपको इसमें म्यू बताना है क्या होगा, तो अगर ये दीवार आगे जा रही है विद ए तो 2 kg पे क्या लगेगी सूडो फोर्स 2a लिखा हुआ है मैंने उसमें, तो 2a अगर फोर्स दीवार पे लग रही है ब्लॉक की वजह से तो दीवार कितनी लगाएगी 2a, तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, तो कौन इसको नीचे गिरेगा वेट कौन बचाएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसके इसमें कितना है 2a, मास कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल आंसर। इक्वल टू का ऑप्शन लिया नहीं हुआ पर मेरे हिसाब से इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू मैंने तो इक्वल टू के साथ किया, वैसे इसने दिया नहीं है, नहीं ऊपर नहीं जाता वो, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगी हाँ मतलब ये होगी कि अगर फ्रिक्शन बड़ी होती है तो ऊपर नहीं जाता, पर यह है कि वहीं रहता है, हाँ कम से कम इक्वल टू का केस तो होना ही चाहिए, तो मैंने तो अभी इक्वल टू के साथ ही किया है सॉल्व, वैसे मैं खुद जब सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इक्वल टू होना चाहिए वैसे, पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तो मिल ही रहा था मुझे, सॉल्यूशन वाइज तो ठीक है वो तो कर देंगे मार्क, पर मेरे हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, चलो इन नहीं केस समझ में आ रहा है, तभी मैंने इक्वल टू के साथ ही किया है, वैसे भी दोनों है तो फिर मल्टीपल ही बनता है वो, तो फिर
दोनों आंसर बन सकते हैं वैसे. क्वेश्चन नंबर सिक्स. हाँ हाँ क्वेश्चन समझते हैं. देखो क्वेश्चन है, अ बीड जिसका मोती है जिसका मास एम ए इज लोकेटेड ऑन अ पैराबोलिक वायर इस टाइप से, और पैराबोला में एक्स और वाई की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन टू वाई वेयर ए इज सम कांस्टेंट. बीड यहां पर है और ऑब्वियसली इसको किसने रोका हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने. सो हाईएस्ट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है, यानी कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है या वाई बताना है आपको, एट विच पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. देखो इसको किस, वैसे तो स्लिप करता हुआ नीचे आ जाएगा, किसने रोका इसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाकर टिक सकता है. क्वेश्चन में आ गया. तो अगर इसके डायग्राम को डिस्कस करें तो ये पैराबोला है और सपोज करो इसका वेट कहा है, नीचे एम जी. मान लेते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने यहां पे, इस पॉइंट पर जहां पे इक्विलिब्रियम पे है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ने एंगल बनाया थीटा. तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हो गया, सिंपल इसको भूल जाओ, इस फिगर को, इंक्लाइन प्लेन हो गया. इस इंक्लाइन प्लेन में ये एम जी, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा. तो कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा, और कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. डायग्राम समझ में आया, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह बन गया डायग्राम, और नॉर्मल रिएक्शन यहां कहीं होगा. तो स्लाइडिंग नॉट टू अकर, स्लाइड नहीं करवाना. तो कौन बड़ी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किससे बड़ी होगी, एम जी. फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या है, एम जी कॉस थीटा. पुट किया, म्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा, राइट. वैसे तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, अगर इतना क्वेश्चन ऑप्शन दे देता तो भी ऑप्शन सही था, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा. चलो कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिया अलग बात है, बट यहां तक क्लियर है, राइट. आगे अब मुझे पता है कि अगर मैं इसी फिगर को यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखो सपोज करो ये मेरी फिगर है, और अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो आपको याद होगी स्लोप हम निकालते थे काइनेमेटिक्स कैलकुलस, स्लोप कैसे निकलती थी, किसी भी इंस्टेंट पर dy by dx ऐसे निकालते थे, और स्लोप होती क्या थी, tan ऑफ थीटा, क्योंकि टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया नीचे जाके, tan थीटा, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो वैसे ही कॉन्स्टेंट होती है. तो tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx, tan थीटा इज इक्वल टू dy dx ऑफ y. क्वेश्चन में x स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, ए वाई, वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर बाई ए, वाई की जगह पुट किया एक्स स्क्वायर बाई ए, इसको डिफरेंशिएट किया 2x, tan थीटा आ गया. tan थीटा पिछली स्लाइड में हमने भी निकाला दैट वाज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू, लेकिन tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 2x बाई ए. तो इस tan थीटा को उठा के यहां पुट करें, तो जब इस tan थीटा को यहां पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई, इसमें x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए वाई. वो क्यों, क्योंकि मेरे को x की जो वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है, तो x क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए वाई. तो मैंने x की जगह पुट किया अंडर रूट ऑफ ए वाई, इसे स्क्वेयरिंग किया, ये 4 हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, म्यू स्क्वायर हो गया, तो यहां से a कैंसल, ऑप्शन में ये गिवन है. थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज एक बार देखना पड़ेगा घर जाके क्या स्टेप्स लिए. तो tan थीटा बेसिकली दो तरीके से निकाला, एक स्लोप से निकाल दिया और दूसरा कहां से निकाला, जो इक्वेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, फिर tan थीटा की वैल्यू को इक्वेट कर लिया, राइट. तो मैथमेटिकली समझ में आया कैसे किया ये. तो y का फॉर्मूला आ गया इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए वैसे ही, अभी के लिए समझ में आ रहा है यहां तक. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. फिगर शोज अ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स डाउन द इंक्लाइन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट इज 1 न्यूटन. वो कह रहा है 1 न्यूटन की फोर्स है
डाउन द इंक्लाइन, ताकि वो रेस्ट पे रहता है, एंड अप द इंक्लाइन इज 7 न्यूटन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? देखो ब्लॉक दोनों केस पे रेस्ट पे ही रहता है, ब्लॉक दोनों केस में रेस्ट भी रहता है. तो पहला केस उसने क्या कहा, व्हेन ब्लॉक इज, वो कह रहे हैं 1 न्यूटन की नीचे की तरफ फोर्स लगी, 1 न्यूटन नीचे, अगर आपने इससे ऊपर फोर्स लगाई तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, पर हमें किस पे रखना है, एट रेस्ट. तो 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे, mg sin थीटा नीचे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है, ऊपर, क्योंकि मैं अगर फोर्स नीचे लगाऊंगा कि नीचे आ जाए, पर आ नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक इज नॉट टू स्लाइड, तो मेरी फोर्स नीचे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर है, और एक्सेलरेशन तो है नहीं, रेस्ट पे है. तो अगर रेस्ट पे है तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, नीचे की फोर्स कितनी है 1, और कितनी है mg sin 30 इज इक्वल टू, ऊपर की फोर्स कितनी है म्यू n, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg cos 30. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, जो आपकी इसमें गिवन है कि म्यू mg cos 30 माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट. लेकिन अब वो कह रहे हैं सेकेंड केस में मैं अगर फोर्स लगाता हूं 7 न्यूटन ऊपर, तब भी ब्लॉक किस पे रहता है, एट रेस्ट. फर्क ये है कि मेरी टेंडेंसी ब्लॉक को खींचने की ऊपर है, अब फ्रिक्शन कहां लगेगी, नीचे. पहले मेरी टेंडेंसी खींचने की कहां थी, नीचे, फ्रिक्शन कहां लगी थी, ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा रेस्ट पे भी, पर फ्रिक्शन ने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज, राइट. तो अब रेस्ट पे ही है, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यहां से mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम mg cos 30 इज इक्वल टू 7. इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई, इन इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. जब डिवाइड करेंगे तो इसमें हमें म्यू निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू आ जाएगा. हाँ कुछ भी कर लो, कैलकुलेशन अपनी अपनी है, मेरे को यहाँ से ठीक लगा, मैंने कर दिया. पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, कि डायग्राम समझ में आया कि दो इक्वेशन कैसी बनी इसमें. क्वेश्चन नंबर 8 में, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद इन, अंडरलाइन कर लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, फोर्स अपवर्ड होती है लेकिन इसमें डाउनवर्ड है. कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है. देखो इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक है, वो कह रहा है फोर्स ऊपर नहीं एक्ट कर रही, फोर्स हॉरिजॉन्टल से नीचे एक्ट कर रही है, कितनी एक्ट कर रही है 30 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 53. फोर्स के कितने कॉम्पोनेंट्स होंगे, 2, एक कॉस और एक साइन. वेट कहां एक्ट करता है, नीचे. नॉर्मल रिएक्शन कहां है, ऊपर. ये फोर्स इसको कहां लेके जा रही है, आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां एक्ट करेगी, पीछे. डायग्राम क्लियर है, राइट. डायग्राम को समझ में आ रहा है यादव, ठीक है. अब इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स में कितनी लगा रहा हूं कि ब्लॉक राइट मूव करे, एफ कॉस 53. कॉस 53 क्या होता है, 3/5, 18 न्यूटन. तो मैं चाहता हूं 18 न्यूटन से फोर्स से ये ब्लॉक आगे मूव करे, लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, मैक्सिमम स्टैटिक का मतलब इसको हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, एफ म्यू इन टू एन. और नॉर्मल रिएक्शन आप यहाँ पे निकाल देना, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एफ साइन 53 प्लस 20 जी, राइट. और साइन 53 की वैल्यू हमें पता है 4/5, तो ये वैल्यू को यहाँ पुट किया, साइन ऑफ 53 को 4/5, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करके आई 44.8 न्यूटन. आपने खींचने के लिए कितनी फोर्स लगाई, सिर्फ 18 न्यूटन, लेकिन उसको मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी, 44.8 न्यूटन. आपकी फोर्स कम है, ब्लॉक नहीं हिलने वाला, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मार्क करेंगे, सिर्फ 18 न्यूटन. क्लियर है. एक चीज नोट करो, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टैटिक के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन में खत्म हो गया, खत्म, ओके.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ना फर्स्ट है नहीं इसमें, तो अब ये नहीं करो, फर्स्ट में करेक्शन थी इसको नहीं कर रहे, सेकंड से कर रहे हैं राइट। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी है ये? 29। ओके फर्स्ट है नहीं ना, मैंने हटा दिया उसमें, गलत था वो क्वेश्चन, पर फिर भी मैंने सोल्यूशन दे दिया उसका, वो क्वेश्चन खुद ही समझ ले रहा, क्लास में करवाया हुआ है, कोई खास करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू से करते हैं। टू ब्लॉक्स एज शोन इन द फिगर, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी फॉर विच स्लिपिंग बिगिंस एट ए, यानी कि ये बॉडी स्लिप होगी, अच्छा सॉरी बिगिंस एट बी एंड ग्राउंड, सॉरी मतलब बी एंड ग्राउंड, बी एंड ग्राउंड का मतलब कि बी मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं मैं चाहता हूं कि ए तो साथ मूव करे करे, बेसिकली बेसिकली ग्राउंड पे फ्रिक्शन ओवरकम करनी है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, उसने कहा कि बताओ मैं कम से कम कितनी फोर्स लगाऊं बी पे कि बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव करे राइट। तो इस केस में ये डायग्राम है, म्यू की वैल्यू गिवन है, अब वो कह रहे स्लाइडिंग किस सरफेस पे करवानी है, लोअर पे, नीचे करवानी है राइट। तो पहले स्लाइडिंग मुझे कहा, क्वेश्चन किस पे गिवन है, लोअर ग्राउंड पे गिवन है, तो मेरी जो फोर्स है वो बड़ी होनी चाहिए यहां की फ्रिक्शन, गिरे ना गिरे मेरे को क्या, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो यहां की फ्रिक्शन, यहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 10 + 10 × g, और म्यू आपको गिवन है 0.5, तो मेरी फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। आंसर इक्वल टू कर दोगे तो मिनिमम फोर्स आ गई, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? इसके भी सॉल्यूशन गिवन दिए हुए ना मैंने, हाँ सॉल्यूशन है इसमें। ओके इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ऑन ए सो दैट ब्लॉक बी विल स्लाइड ऑन द ग्राउंड। अब इस बार हमने बी की जगह फोर्स कहां लगा दी, ए पे। अब ध्यान से लगाना, पहले हम कहते थे बी पे लग रही है, क्या फर्क पड़ता है ए गिरे ना गिरे, अब ध्यान से पता लगे ए निकल लिया और बी हिला ही नहीं, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको बी के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले जब मैं यहां फोर्स लगाऊंगा एफ, ये दो ब्लॉक्स हैं, म्यू आपको गिवन है 0.2 और 0.1, इन दोनों की सेपरेशन होगी या नहीं होगी इसके लिए कौन डिसाइड करेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना है 10 g, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन है। तो अगर आपकी फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा है तो इनकी सेपरेशन होगी, और अगर कम है तो सेपरेशन नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि बिटवीन ग्राउंड एंड बी फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20 + 10, तो म्यू इंटू 20 + 10 × g कितनी है 30 न्यूटन। अब मुझे एक चीज पता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितनी लग सकती है 20, या तो 20 से कम होगी या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 के इक्वल होगी, और इसके ऊपर तो फिर काइनेटिक आ जाएगा और वो भी 20 से कम ही होगी ऑब्वियसली राइट। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है उसके ऊपर तो फ्रिक्शन नहीं होती, तो चलो मान लेते हैं कि बी को कौन मूव करवाता है फ्रिक्शन, क्योंकि बी को मूव तो फ्रिक्शन नहीं करवाना है, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी हो सकती है 20, 20 से ऊपर तो नहीं हो सकती, और जमीन पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन कितनी आ रही है 30। अब सिचुएशन ये हो गई, बी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगा दिया आपने 20, नीचे फ्रिक्शन कितनी है 30, ये तो कभी मूव ही नहीं करेगा क्योंकि आगे की फोर्स 20 लगाई, चाहिए थी 30 से ज्यादा, तो बी नहीं मूव करने वाला, तो इसलिए बी विल रिमेन एट रेस्ट। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो रूल वही है, इसको कौन मूव करवाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमने निकाल ली 20, लेकिन ग्राउंड पे भी क्या है फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन कितनी 30, और क्योंकि 20 की फोर्स 30 से कम है तो बी विल नेवर मूव, नहीं मूव करेगा इसमें राइट। ये दोनों फ्रिक्शन है, कोई ये ना सोचे कि बी ब्लॉक पीछे मूव कर पड़ेगा, ना ना फ्रिक्शन मूवमेंट नहीं करवाती, फ्रिक्शन सिर्फ रोक सकती। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि मूव करवाने की फोर्स तो 20 ही है लेकिन ग्राउंड में ज्यादा फ्रिक्शन है, और उससे 20 न्यूटन की फोर्स ग्राउंड की 30 न्यूटन की फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहा राइट।
अच्छा और भी है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड ताकि ए बी के ऊपर स्लिप करे. तो कह रहे हैं कि अब स्लिप करना चाहते करवाना चाहते हो किसे, ए को. ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स है कितनी आई थी, 20 आई थी. तो आपकी फोर्स अंडरस्टूड है 20 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इनको सेपरेट करने के लिए फोर्स कितनी चाहिए थी, 20 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. तो अगर आप चाहते हो कि ये सेपरेट हो तो आपकी फोर्स शुड बी ग्रेटर देन 20 न्यूटन. डन. एक आंसर और आ गया, 20 लिमिटिंग केस. वैसे तो ग्रेटर होना चाहिए बट इट्स अ केस ऑफ लिमिटिंग, कोई बात नहीं, 20 भी कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दो ब्लॉक्स हैं, 1 kg एंड 2 kg. पुली है, फोर्स है. आप इसमें दोनों के मासेस गिवन है. कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज दैट बिटवीन बी एंड ग्राउंड. मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, कम से कम फोर्स लगाओ, नहीं कम से कम फोर्स गिवन है 25 न्यूटन ताकि ये मूव करते हैं. बस आपको इसमें म्यू निकालना है, दोनों सरफेस का म्यू सेम है. तो इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में क्लास में मिलता जुलता किया भी था, ये दो ब्लॉक्स हैं, आप यहाँ फोर्स लगाते हो एफ, टेंशन यहाँ पर आ जाती है TNT, और इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है, 25. ए ब्लॉक कहाँ जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट. ए ब्लॉक के राइट की तरफ फोर्स क्या है, टी. ए ब्लॉक जब लेफ्ट जाएगा तो इसके अंदर फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इसकी मूवमेंट अगर लेफ्ट है तो फ्रिक्शन कहाँ है, राइट. म्यू टाइम्स 1g. डायग्राम बन गया. बी ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक कहाँ जाएगा, राइट, क्योंकि इधर जा रहा है तो इधर जाएगा. राइट की तरफ फोर्स क्या है, टी, क्योंकि 1 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगी थी, राइट, तो 2 kg भी कहाँ लगेगी, लेफ्ट. इक्वल एंड ऑपोजिट सेम. डायग्राम समझ में आ रहा है यहाँ तक. अगर ये ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है तो इसकी फ्रिक्शन राइट और इसकी फ्रिक्शन लेफ्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट. और वैसे भी इसकी मोशन कहाँ है, लेफ्ट, तो इसको फ्रिक्शन कहाँ मिलेगी, राइट. इसकी मोशन कहाँ है, राइट, तो इसके यहाँ पर फ्रिक्शन क्या मिलेगी, लेफ्ट, ठीक ठीक. और इसके यहाँ भी है और फ्रिक्शन नीचे भी है, और नीचे का म्यू तो सेम ही है ऊपर जितना, तो इसकी फ्रिक्शन भी कहाँ, लेफ्ट, क्योंकि इसकी मोशन अगर राइट है तो यहाँ भी फ्रिक्शन लेफ्ट, यहाँ भी फ्रिक्शन लेफ्ट, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 3g, राइट. तो डायग्राम क्लियर है यहाँ तक, फोर्सेस के डायग्राम समझ में आ रहे हैं कैसे बनाए, ठीक. तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट डायग्राम है ए वाला, ए कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 25 माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 × a. एक्सेलरेशन इज ए, लेट अस सपोज, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. और बी कहाँ जा रहा है, राइट, तो कौन बड़ा, टी, तो टी माइनस सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इज 2 × a. इन्हें सॉल्व करोगे म्यू आ जाएगा. देखो ये डिसाइड करो, ये तो न्यूटन का लॉ है, ये कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट, ये कहाँ मूव कर रहा है, राइट, तो कौन बड़ा, टी की ये, टी, टी माइनस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ पहले ए निकालना पड़ेगा फिर म्यू निकलेगा.
जी फिर ये शीट की नहीं तो इसको ट्राई करना, फिर नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में ये शीट एंड बियॉन्ड के डाउट्स फिर लेंगे एक बार, तभी फायदा होगा।